सो so गाइस आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है स्किन को हम फेयर कैसे कर सकते हैं और कौन सी ऐसी लाइट बेस क्रीम है जो हम यूज कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को ना एक्नी पिंपल्स का भी प्रॉब्लम होता है और फिर वो क्रीम नहीं लगा पाते हैं किसी भी टाइप की कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे उनको फिर मजीद एक्नी निकल के आते हैं आज जो मैं आपके साथ क्रीम शेयर करने वाली हूँ इस क्रीम को अगर आप रेगुलर बेस पे यूज करते हो तो इससे आपकी स्किन ना सिर्फ जो है वो फेयर होगी उससे आपकी स्किन क्लीन होगी दाग धब्बे स्पॉट्स स्पॉट्स भी रेड्यूज होंगे अगर आपको टेनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी ठीक है क्रीम के लिए ना बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है और ये क्रीम मार्केट की क्रीम होने वाली है ये आपके घर की क्रीम नहीं होने वाली बट बनाने वाले उसे आप घर में ठीक है अब इसके लिए ना आपको एक लवली चाहिए आप इस साशे में लेना चाहते हो साशे में ले लो थोड़ी सी होगी ट्राई करना चाहते हो आप बड़ी लेना चाहते हो बड़ी ले लो हंड्रेड एंड हंड्रेड ट्वेंटी मिल जाएगी बड़ी ठीक है एक चाहिए आपको तिब्बत स्नो क्रीम तिब्बत स्नो क्रीम भी वन ट्वेंटी या वन थर्टी रुपीज की है आपको दोनों ही क्रीम है ऑलमोस्ट ढाई सौ रुपए में मिल जाएगी ठीक है एलोवेरा जेल मार्केट की पड़ी है तो ठीक है नहीं है तो फिर मार्केट से आप लोगे तो उसकी भी छोटी जो लोगों की हंड्रेड एम एल की वो भी वन या वन की अराउंड होती है बड़ी वाली थ्री होती है जिसके अंदर आई थिंक फोर ग्राम होती है ठीक है तो अगर जो आप आ, आपको लगता है कि बजट फ्रेंडली है आपके हिसाब से तो वो आप प्रोडक्ट ले सकते हो बिकॉज ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बनाना चाहते हो इसे कितना रखना चाहते हो और कितना जो है वो आप इसकी क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हो ठीक है कैसे इसके अलावा आपको चाहिए विटामिन ई की कैप्सूल चाहे तो स्किन वाइटनिंग कैप्सूल यूज कर लो चाहे विटामिन ई की कैप्सूल यूज कर लो वो व्हाइट कलर के आते हैं इवियन के यूज करना चाहते हो इवियन के भी यूज कर सकते हो अब आपने क्या करना है सिंपल एक चम्मच फेर एन लवली लेनी है एक चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है और एक ही चम्मच आपने तिब्बत स्नो लेनी है इसके अंदर एक कैप्सूल एड करनी है फोर हंड्रेड एम जी की और उसको अच्छे से मिक्स कर लो और एक कंटेनर में रख लो या आप रिपीटिंग रिपीटिंग बना सकते हो अगर आपको ये सूट कर रही है तो पैच टेस्ट करना नेक एरिया पे ठीक है एरिया पे रात भर लगा के सो जाना एंड सुबह में उसको वॉश कर लेना देखना रेडनेस नहीं हुई है पिंपल्स नहीं नहीं हुआ है है या खारिश वगैरह हो रही है, तो इट कि ये आपको सूट करेगी ठीक है फिर आप इसे रेगुलर बेस पे लगा सकते हो इससे इससे आपको पसीना भी नहीं आएगा आपकी स्किन जो है वो ब्राइट होगी फेयर होगी बात करते हैं फेर एंड लवली के बेनिफिटामिन बी थ्री होता है विटामिन सी होता है विटामिन ई e होता है और बी होता है और साथ में मल्टी भी होते हैं स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं इलास्टिकिटी को इम्प्रूव करते हैं डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है पिंपल्स को खत्म करती है ब्लेमिशीज को कम करती है स्किन को रेडियंट

देती है साथ में प्रोटेक्शन नहीं देती है जो सूरज की वजह से स्किन टैनिंग में हो गई है उसको ठीक करती है विटामिन ई e की बात करें तो स्किन को मॉइस्चराइज करता है हाइड्रेट करता है साथ में स्किन को रीजनरेट करता है और हाइपरपिगमेंटेशन को कम करता है यूवी रेस से बचाता है और सन प्रोटेक्शन को भी खत्म करता है तीनों ही इंग्रेडियंट बहुत चारों इंग्रेडियंट बहुत अच्छे हैं और आप इसको स्टोर करके फ्रिज में नहीं नॉर्मल जगह पे भी रख सकते हो रूम टेम्परेचर पे कोई इश्यू नहीं आएगा और थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है आपका कमरा थोड़ा गर्म होता है तो फिर आप इसको नीचे वाले जो फ्रिज वाला एरिया होता है जहां बर्फ नहीं जमती रख सकते हो और इतनी क्वांटिटी में बनाना कि आप इसको जो है वो सात दिन तक चला लो फिर दोबारा से बना लो वैसे तो ये खराब नहीं होगी महीना भर भी चलेगी बट कम कम क्वांटिटी में बनाना क्योंकि कैप्सूल भी ज्यादा मंगा के रख लेना और अगर आप ट्यूब लेकर आ रहे हो एलोवेरा की भी फेर एंड लवली की भी और तिब्बत का बॉक्स लेकर आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप कम कम क्वांटिटी में बनाओगे क्योंकि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपकी घात गंदे करेगी जिस कंटेनर में खाली करोगे आप यूज करके उसी कंटेनर में वापस बना लो फिर उसी कंटेनर में बनाते जाओ इससे आपका पैसा भी बचेगा बहुत महंगी भी नहीं पड़ेगी ओवरऑल अगर बात करें तो ये क्रीम आपको फाइव हंड्रेड की पड़ेगी पर ये चल आपको तीन चार महीने चल जाएगी और आराम से मतलब आप इसको तीन चार महीने यूज कर, कर सकते हो और गाइस इसको आप लॉन्ग टाइम तक दो साल तीन साल भी यूज कर सकते हो इससे आपको कोई फेशियल हेयर का प्रॉब्लम नहीं होगा इससे कोई आपकी स्किन जो है वो खराब नहीं होगी बट पैच टेस्ट जरूर करना पैच टेस्ट नेक एरिया पे करते हैं जो कि फेस के बिल्कुल नीचे वाला एरिया होता है ठीक है उस पर टेस्ट करना और चौबीस घंटे के लिए छोड़ देना उसे मत वॉश करना ताकि आपको इरिटेशन खारिश वगैरह का पता चल जाए अगर इरिटेशन वगैरह हो रही है तो फिर आप हैंड्स एंड फीट्स पे तो यूज कर सकते हो आप जब लेकर आ गए हो तो यूज कर सकते हो या सेपरेट फेर लवली यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो एलोवेरा यूज करना चाहते हो सेपरेट कर सकते हो ठीक है अगर इरिटेशन खारिश वगैरह नहीं हो रही है तो इससे सुपर डुपर क्रीम कोई भी नहीं है इसको ट्राई करना एंड मुझे फीडबैक जरूर देना स्किन के कलर को एनहेंस करने के साथ साथ पिम्पल एक्नी पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगी होपफुली वीडियो पसंद आई होगी आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अलाफे